भारत का इकलौता गेंदबाज जिसने नंबर 10 पर बल्लेबाजी करते हुए 16 छक्के ठोक डाले, नाम है होश उड़ाने वाला। हेलो दोस्तों, पिको मेनिया में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 1000 लाइक्स का है। आप जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप भी क्रिकेट के दीवाने हैं तो हम आज आपको एक ऐसे रिकॉर्ड के बारे में बता रहे हैं जिसके बारे में सुनकर आप चौंक जाएंगे। भारत का इकलौता गेंदबाज जिसने नंबर 10 पर बल्लेबाजी करते हुए 16 छक्के ठोक डाले हैं। दोस्तों, अक्सर हम बल्लेबाजों की बात करते हैं जो कि लंबे लंबे छक्के लगाते हैं, लेकिन अगर गेंदबाज नंबर 10 पर बल्लेबाजी करते हुए 16 छक्के ठोक डाले तो ये बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड है। दोस्तों हम आपको बताएंगे उस गेंदबाज के बारे में जिसने ये कारनामा किया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, ये कोई और नहीं बल्कि इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व फास्ट बॉलर जाहिर खान हैं। उन्होंने वर्ष 2000 से 2012 तक क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 44 मुकाबलों में नंबर 10 पर बल्लेबाजी करते हुए 16 छक्के ठोके हैं। वहीं दोस्तों, नंबर 10 पर बल्लेबाजी करते हुए विश्व क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड की गेंदबाज टीम सऊदी के नाम दर्ज है। उन्होंने 41 मुकाबले में नंबर 10 पर बल्लेबाजी करते हुए 22 छक्के ठोके हैं। और दोस्तों, न्यूजीलैंड के क्रिकेट टीम के गेंदबाज नील वैगनर ने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 20 मुकाबले में नंबर 10 पर बल्लेबाजी करते हुए 13 छक्के लगाए हैं। वहीं साउथ अफ्रीका की गेंदबाज डेल स्टेन ने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 57 मुकाबले में नंबर 10 पर बल्लेबाजी करते हुए 12 छक्के लगाए हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। क्या जाहिर खान का ये रिकॉर्ड कोई तोड़ पाएगा? क्या कोई गेंदबाज बल्लेबाजी करते हुए इतने ज्यादा छक्के लगा सकता है? भारत का गेंदबाज कोई ऐसा है? अगर आपकी नजर में भी कोई ऐसा गेंदबाज है जो बल्लेबाजी में ये कारनामा कर पाए तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताकर उसका नाम जरूर लिखें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और क्रिकेट के अगर रियल फैन हैं तो ऐसी ही वीडियो पाने के लिए बेल की नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। गुड बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।